आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यशायाह की पुस्तक दूसरा अध्याय वचन 12 से 22। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे, और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर, तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या।